हेलो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो है ग्राफ्टिंग करने के बाद हमें महत्वपूर्ण कार्य क्या करने पड़ते हैं कि ताकि हमारी ग्राफ्टिंग जो है अच्छे से सक्सेसफुल हो। देखिए, आपने मेरी पूर्व की वीडियो में देखा होगा कि हमने ग्राफ्टिंग करते हुए दिखाया और ग्राफ्टिंग के बाद जो है एक महीने बाद जो है हमारा पौधा ग्राफ्ट वाला कैसे हो गया था, फूल आ गए थे और हमने फूल को ड्रॉप भी किया, क्योंकि फूल आने के बाद अगर हम उसका फल लेते तो उसमें जो है उसकी ग्राफ्ट जो है सूख जाता, क्योंकि फल बनाने में भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक तरह से पेड़ को किसी कार्य को, क्योंकि नहीं तो सूख जाता, तो इसलिए हमने उसका फल ड्रॉप किया। अब हमने उससे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, उसके लिए हमें जो है वीडियो पूरा बना रहना पड़ेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अगर आपने भी जो है अपने बाग बगीचे में जो है ग्राफ्ट कार्य किया होगा तो वर्तमान में जो है उसमें ये स्थिति आ गई होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, फूल पत्तियां आने लग गई होगी। अगर आपने हमारी जो है टिप्स पे जो है काम किया होगा कि जैसा हम बता रहे हैं, तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ताकि वो लोग भी अन्य फ्रेंड्स भी जो है इसका लाभ उठा सके और अपने बगीचे को और सुंदर बना सके, कम खर्च में अधिक लाभ ले सके। इसीलिए जो है मैं सारे के सारे बागवानी संबंधित, देखिए हम इस पर पिंचिंग कर रहे हैं, ग्राफ से नीचे जितनी भी जो है अगर नई कलियाँ निकल रही है उन्हें हमें निकाल देना है, इंतजार नहीं करना कि वो बड़े हो जाए, छोटे में ही निकाल लें। ये देखिए, ये हमारा फूल आ गया था तो हमने इसको ड्रॉप किया ताकि हमारे कलम को जो हमने ग्राफ्ट किया था तो उसको ज़्यादा पोषक तत्व उसको मिले, फूल पे जो है ना जाए, क्योंकि हमने जो है उसका पोषण तत्व तो खर्च नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, उसी कलम को लगे। और इनकी पिंचिंग कर देनी है, ये देखिए हम जितनी जल्दी इनकी पिंचिंग करेंगे उतना ही जो है हमारा कलम अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखिए, वो ये निकाल लीजिए। अब महत्वपूर्ण कार्य अभी ये है कि हमें पिंचिंग करनी है, जहाँ पर हमने कलम की है, जहाँ से हमने उसको रैप किया है उसके नीचे पुरानी शाखा पर अगर कहीं भी जो है नई कलियाँ निकल रही है तो हम उन्हें हटा देंगे। ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो हम जो है पिंचिंग कर रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि हमें पिंचिंग करना है। और आपको अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ रोचक जानकारी देते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।